मेरठ की पामाली नामंजूर नामंजूर मेरठ की पामाली नामंजूर नामंजूर मेरठ की पामाली नामंजूर नामंजूर नौजवानों को इंसाफ हो इंसाफ हो नौजवानों को इंसाफ हो इंसाफ हो नौजवानों को इंसाफ हो इंसाफ हो वी वांट जस्टिस वी वांट इज्जत दो तालीम को इज्जत दो इज्जत दो ताको इंसाफ हो इंसाफ हो नौजवानों को इंसाफ हो इंसाफ हो वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस मेरिट की पामाली मंजूर मंजूर तालीम को इज्जत दो इज्जत दो तालीम को नौजवानों को इंसाफ हो इंसाफ दो मेरिट की पामाली नामंजूर वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी जस्टिस वी वांट जस्टिस इंसाफ हो इंसाफ हो मेरठ की पामाली नौजवानों को इंसाफ हो इंसाफ हो नौजवानों को इंसाफ हो इंसाफ हो नौजवानों को इंसाफ हो नौजवानों को इंसाफ हो इंसाफ हो 172 पोस्ट है तो इस पोस्टों में तकरीबन 70% मेरठ की पामाली हुई है, शायद 30% इसमें मेरठ हुई है। मेरठ वो हुआ है जिनके पास सिफारिश है वही उनका मेरठ हुआ है, बाकी जो जो मतलब 70% ऐसे है जिनका दौड़ और इंटरव्यू में मौजूद भी नहीं थे वो लोग। बस हम लोगों ने वहाँ पर अपने इलाके में खुशदार में तकरीबन 5 दिन रैली की और एहतजाज की, हमारे साथ किसी हुकूमत की तरफ से किसी ने भी रबता नहीं की तो हम मजबूर होकर लॉन्ग मार्च की मतलब ये रास्ता लिया। लॉन्ग मार्च हमारा तकरीबन 14 दिन हुआ और 5 दिन में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी हुकूमत की तरफ से किसी ने हमारे साथ रबता नहीं किया है। अब भी सर्दी बहुत है, लेकिन हम 3 दिन तक ऐसे एहतजाज करेंगे और 3 दिन के बाद हम तादम भूकड़ताल कैंप करेंगे। अगर फिर भी हमारे साथ रबता 3 दिन में अगर फिर भी हमारे साथ रबता नहीं हुआ फिर 3 दिन के बाद हम भूकड़ताल कैंप करेंगे। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारा जिम्मेदार हुकूमत बलोचिस्तान होगा। 5 दिन हमें हो रहे हैं हम इधर बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात कोई बातचीत कोई कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हमारे साथ नहीं किया मुजाहिदा नहीं किया मुज़ाकरात नहीं किया हमारे पास नहीं आए तो हम बैठे रहेंगे, चाहे 1 साल हो 2 साल हो हम बैठे रहेंगे। सर भर्तियों के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम जितने यहाँ पे ये लड़के आए हैं ये सब कामयाब उम्मीदवार हैं, और जब लिस्ट आया तो अफसोस की बात यह है कि इनमें मतलब लिस्ट में एक भी लड़के का नाम नहीं था, तो मजबूरन हमने जो है लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया और तवील अरसा क्रॉस करके जो हम यहाँ तक पहुँचे। यहाँ भी हमें मतलब 3-4 दिन हो गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने अभी तक हमसे कोई भी रबता नहीं किया। सो लिहाजा मतलब हुकूमत से हमारा यही अपील है कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है उसको तबाह ना किया जाए, उसके साथ मुज़ाकरात किया जाए और उसको मतलब मेरिट की यकीन दहानी कराया जाए और इनका हक इनको दिया जाए। जवानों का कहना है कि भाई हम मुल्क का मुस्तकबिल है, हम फोर्स में भर्ती होकर अपने आवाम और मुल्क का खिदमत करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के सच्चे सिपाही हैं। लिहाजा हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और CM बलोचिस्तान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान इन सब से पुरजोर अपील है कि नौजवानों का हक उनको दिया जाए और उनको यकीन दहानी कराया जाए कि मुल्क में कानून और अदल इंसाफ।